हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बनाया एल्बो में। तो देखिए, मैंने स्लीव्स कट कर लिए और ये हम बिना लाइनिंग के बना रहे हैं, तो आप लाइनिंग के बनाओ। सेम डाफा की लाइनिंग भी कट कर लीजिए। और देखिए, स्लीव्स का जो साइज लिया हमने वो हमारे साइज 12.5 इंच है। नीचे हम फोल्ड कर देंगे और इसकी जो विड्थ ली हमने वो हमारी 9 इंच है। तो देखिए इस तरह से, और ये हमने पट्टियां कट की हैं कुछ, तो मैं आपको पट्टियों का साइज बताती हूँ। और पहले हम डिजाइन कट करेंगे इसमें। तो देखिए, नीचे से साढ़े 6 इंच ले लेते हैं। तो इस तरह से, और नीचे से 2.5 इंच पे। और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये कट कर लिया, ये हमारा इस तरह से आएगा। अब देखिए हम नीचे फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हम नीचे फिनिशिंग दे दी। तो स्लीव्स को हम साइड में रखेंगे। हमने जो ये पट्टियां कट की हैं, आपको इसका साइज बताती हूँ। हम देखिए छोटी पट्टियां कट की हैं, इसकी चौड़ाई ली हमने 1.5 इंच ली है। और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे सिलाई करते हुए। देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया पट्टिया को। और देखिए नीचे हमने पेपर लिया एक, और उसके ऊपर हम स्लीव रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, अब इसमें हम पट्टियां लगाएंगे इस तरह से। पहले स्ट्रेट लगाएंगे, फिर इस तरह से लगाएंगे हम। देखिए इस तरह से मैंने पट्टियां लगा दी। अब नीचे हम इस तरह से फिनिशिंग देंगे। देखिए इस तरह से, अब बीच बीच में हम सिलाई कर देंगे एक एक इनके ऊपर। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर ली। अभी हम साइड में रखेंगे। एक 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से फ्रिल डालेंगे।
देखिए इससे जो मैंने फ्रिल लगा दिए, इसको हम इस तरह से पलटेंगे और देखिए यहाँ पे हम बीच में कर दे देंगे इस तरह से। और जो हमने पट्टी तैयार की है इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे हम। देखिए इस तरह से हम सिलाई कर दी, मैं डबल सिलाई भी कर दी। अब जो पेपर है उसे निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने पेपर निकाल दिया, तो आप देख सकते कितना प्यारा लुक आ रहा है स्लीव्स का। ऊपर हमारी फ्रिल आ रही है इस तरह से और नीचे हमारी पट्टी आ रही है इस तरह से, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो आप इस तरह से सुंदर स्लीव डिजाइन बना सकते हैं। तो आप अपनी दूसरी स्लीव भी इसी तरह सेम तैयार कर लीजिए और आप ये कुर्ती के लिए या फिर ब्लाउज के लिए स्लीव डिजाइन बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।